तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन इनके हिंदुत्व विरोध को हमने कभी समर्थन नहीं किया। और आपका काम है तो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। 40 साल पहले चाहे वो कांग्रेस ने पास किया हो चाहे किसी ने किया हो, वो सपने मोदी जी ने पूरे किए हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव के बीच में। लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव ने कहा, दिवाली में दिया जला के तेल बर्बाद क्यों करना, वो तेल किसी गरीब को दे दो उसकी भला हो जाएगी। फिर सुधांशु त्रिवेदी ने जो जवाब दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। श्रीवास्तव आपका रुख करता हूं। ये दीपावली खास है, ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी ने एक वादा करा, आज वादा नहीं करा, 1990 में एक वादा करा कि हम आएंगे रामलला, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और आप लोग आगे एक और सवाल लगाते थे जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख आ गई, 22 जनवरी 2024 को रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। तो इस दिवाली एक दीपक आप भी जला देंगे? देखिए अब मैं महंत जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। अच्छा, ये गिमिक्स करने से कोई राम खुश नहीं होने वाला। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के अंदर कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, ठीक है, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। जी जी जी, जरा सबर करो। हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे दूसरा गाल आगे कर दो अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था। मान्यवर वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए, उसी प्रकार यह दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया शब्दशः न लिया जाए सहज पाप प्रिय तामस देहा, जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है, यथा उल्लू कही तम पर नेहा। उल्लू मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है, उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा। अब आइए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, अरे चांद के छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं, उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग। और आप बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला कि हम चांद पे नहीं गए, आप भी बोल रहे थे, जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में, अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। तो विरोधी है ये हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन इनके हिंदुत्व विरोध को हमने कभी समर्थन नहीं किया, हम हमेशा हिंदुत्व विरोधियों के साथ ही खड़े रहे। रामलला का मंदिर जैसे जैसे बन रहा है कहीं कहीं सारी धुंधे क्लियर हो रही है, हिंदुत्व विरोधी है हम। ये बीजेपी नहीं कह रही, आपके गठबंधन का एक पार्टनर कह रहा है कि आप लोग हिंदुत्व विरोधी है, कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ है।
इनके क्या, इनका क्या? कोई खिलाफ शिवसेना के, हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, हिंदुत्व है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, संजय गुप्ता का जवाब सुन लीजिए जरा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो आज अस्तित्व में नहीं है, उनका सिर्फ एक ही कारण है जो अस्तित्व में नहीं है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, सिर्फ एक ही कारण है कि वो हिंदुत्व विरोधी है और राम मंदिर के विरोधी है। महंत नवल किशोर जी, क्या आपका हिंदुत्व इसमें विश्वास करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ करके एक भीड़ जाए और बिना कोर्ट के ऑर्डर के ढांचों को तोड़े? ये बताओ 1528, सुनो पहले, और दूसरी बात सुनिए, एक एक 1528 में वीर बाकी ने किस कोर्ट में लिखित लिया था, कहां से तोपे लगा दी थी? भैया कम से कम 30,000 मंदिर तोड़े हैं, ये हमारी आस्था का विषय है और हमने कोर्ट तो का कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। सुन लो पहले, हमने किसी कोर्ट का, किसी कानून का अपमान नहीं किया, किसी कोर्ट का अपमान नहीं किया, बिल्कुल वहां हम केवल कार सेवा करने के लिए गए थे, कार्यकर्ताओं को रोका गया, भीड़ लेकर गए थे और आपने हमारा अधिकार है मोदी जी और योगी जी ने हमारे सपने को जिसको साकार किया है, और भी देश के अंदर जो कि मैं कहना चाहूंगा, आज मैं 60 ईयर्स का हो चुका हूँ और पिछले काफी सालों से मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो 10 साल में मुझे नॉलेज आई है, जितना हमारे देश में हो रहा है, जितने रोड बन रहे हैं, मैं आज दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के आसपास रहता हूं, जो 40 साल पहले चाहे वो कांग्रेस ने पास किया हो चाहे किसी ने किया हो, वो सपने मोदी जी ने पूरे किए हैं। बात तो सही है, चाहे चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे मंदिर निर्माण हो, एक 60 साल की व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं पूछ रहा, 60 साल की व्यक्ति है, वो कहते हैं कि हम तो इतने सालों तक इंतजार करते रहे लेकिन बनवाया तो मोदी नहीं, सुनिए अमित शाह नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, बड़ापन सुन लीजिए, एक सेकंड 10 सेकंड बोल रहा हूँ, एक चीज आप समझ लीजिए जो इस देश में बहुत अच्छी है, और जब ढांचा भीड़ ने तोड़ा, हमारी शर्मिंदगी हुई हर इंटरनेशनल, ये एक ऐसा देश है जहां पे माइनॉरिटीज के ढांचों को भीड़ जाती है, तोड़ के चली आती है, और पहले जहां हमारी नाक ऊंची होती थी कि मेरे देश में माइनॉरिटी का मुसलमान सुरक्षित भी है और उसका आदर भी होता है, हमारा मुकाला हुआ था। सर एक मिनट सुनिए, आज एक अपना घर बनाते हैं, आपको खुशी होती है, आपके परिवार को, बच्चों को खुशी होती है, ये तो राष्ट्र का निर्माण, जिन्होंने देश पे मतलब जो है सनातन धर्म की स्थापना की, हमारे श्री राम का, अगर मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, आप ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, ये आपत्ति है आपको? आपको आप मानते हो राम, आप ये मानते हैं राम हमारे हैं? नहीं आपके हैं, बिल्कुल नहीं, आपके राम नहीं है क्या? नहीं, नहीं, सबके आपके राम नहीं है, देश में राम की पूजा होती है, राम के कोई खिलाफ नहीं है, आपको दिक्कत, राम के कोई खिलाफ नहीं है, आपको राम के नाम पे देश के खिलाफ है, राम हमारे, राम के नाम पे राजनीति, लेकिन 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 मैं सुधांशु, वहां पर कोई मस्जिद जैसी चीज नहीं थी, सिर्फ वो मंदिर था और पूजा हो रही थी, मंदिर का पुजारी अवेलेबल है, अगर ये बता दे कि वहां 6 दिसंबर 92 को मस्जिद का कोई भी नहीं था, एक मिनट, अगर वो गलत है, अभी सुनिए, इतना ही नहीं, अभी टॉपिक पे भी बताता हूँ, सुनिए, और चरारे शरीफ जैसी मजार जला के खाक कर दी गई, कोई नहीं बोला, और मुंह काला की बात मुझे याद है, 11:15 रात को बाला साहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट मैंने रेडियो पे सुना, हमारे नेता डिफेंसिव में थे, बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके पार्टी पे आरोप है कि आपके कार सेवकों ने वो ढांचा गिराया, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि अगर मेरे कार सेवकों ने गिराया है तो मुझे इस पे गर्व है, बताओ किसका मुंह काला, इनका या उनका, बोलो आप, बोलो जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि राम लला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। मजा आया दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।